शालीन भनौत के साथ काम करने को लेकर क्या बोली सुंबुल तौकीर खान? क्या सुंबुल काम करना चाहती हैं शालीन से? हाल ही में शालीन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने ये साफ कहा था कि अगर उसे मौका मिला तो वो ज़रूर करना चाहेगा सुंबुल के साथ काम, उसे इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शालीन से जब भी टीना के बारे में पूछा जाता है तो वो शर्मा कर या फिर मुँह फेर कर चले जाते हैं। हालांकि सुंबुल के नाम पर उनका रिएक्शन वाकई में काफ़ी सरप्राइज करने वाला था, लेकिन अब सुंबुल तौकीर खान ने इस बात को बताया है कि क्या अगर उन्हें मौका मिला तो वो शालीन के साथ काम करना चाहेंगी। क्या कहा है सुंबुल ने, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि सुंबुल और शालीन के बीच में बिग बॉस के घर में जो कुछ भी था उसको लेकर लगातार हेडलाइंस बनी थी, लेकिन अब ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं, जहां एक तरफ शालीन ने इस तरीके का बयान दे दिया है कि उन्हें सुंबुल के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं सुंबुल से जब इस बारे में पूछा गया तो सुंबुल ने काफ़ी सरप्राइज करने वाली बात कह दी। सुंबुल ने साफ साफ कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है और अब मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि मैं कुछ बोलूँ ही नहीं। तो इस तरीके से सुंबुल ने इस सवाल को ही इग्नोर कर दिया। वो कहती हुई नजर आई, आई हैव नो आइडिया, अब मुझे सोचने में टाइम लगेगा कि आंसर क्या देना है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो ये कहकर सुंबुल जो है निकल गई। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले सुंबुल से पूछा भी गया था शालीन को लेकर, तब उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि ये सब कुछ मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं कभी भी किसी भी रिश्ते या दोस्ती में 1000% देती हूँ, वो मैं कभी इसलिए नहीं करती कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। मेरी दोस्ती मेरी नज़रों में बहुत सेल्फलेस होती है। आई लव डूइंग दैट। इवन इफ़ आई कुक फूड फॉर देम और हैंग देयर क्लोथ्स और एनीथिंग एल्स, उससे मुझे खुशी मिलती है। सो वो एक दोस्ती को इतना गलत नाम मिला। तो ये बात जो है बोलती हुई नज़र आई थी सुंबुल। तो एक बात तो तय है कि जिस तरीके से शालीन ने सुंबुल के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है, वहीं सुंबुल ने इस सवाल पर जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि सुंबुल शालीन के साथ किसी तरीके से कोई बॉन्ड नहीं रखना चाहती? कमेंट करके ज़रूर बताएं।